हेलो गाइस वेलकम बैक टू रेडी स्टडी गो एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर डेस इज एडजेक्टिव सो लेट अस लर्न व्हाट आर एडजेक्टिव्स द एड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव दैट मींस दैट शब्द जो कि नाउन की विशेषता को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव कहलाते हैं द एडजेक्टिव आर ऑफ टू टाइप्स एंड प्रेडिकेटिव सो लेट अस लर्न अबाउट फर्स्ट एट्रीब्यूटिव सो वॉट आर एट्रीब्यूटि एडजेक्टिव वेन द एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन वी से दैट इट इज़ सेट्रीब्यूटि और इज कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इट मीन्स डैट जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हो उस से एट्रिब्यूटिव भी कहा जाता है और उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है सो लेट अस टुक सम एग्जांपल्स सो हेयर्स एन एग्जांपल इज हेयर द हैप्पी फैमिली सेट डाउन फॉर डिनर सो कैन यू गैस वॉट इज हेयर एट्रीब्यूटिव सो हेयर happy is attributively used because family is a noun so we have studied that adjective that are used before nouns are called attributive so happy that is an adjective family that is a noun is used before the noun happy so it is a attributive sentence so now we will study वट आर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव द एडजेक्टिव डेट फॉलोज द वर्ब एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेटिव ऑफ द सेंटेंस देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिव। इट मीन्स एडजेक्टिव जो एक वर्ब को फॉलो करते हैं और वो एक सेंटेंस जिसमें एक प्रेडिकेटिव पाया जाता है उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द बी वर्ब Be verbs like uh, was, for, has, have, etc. Is am, are also are. So let us look for some example. The play was beautiful. So can you guess what is predicative adjective here? Yes, beautiful is adjective here. That is a predicative adjective because it comes after a be verb. That is was. So, I hope you have understood it well. So, here I am giving you an exercise for solving. So, you have to do that underline the adjective and identify whether they are attributive or predicative. So, you have to underline the adjective and see that the adjective whether they are attributive or predicative. So till then, solve this exercise and we will meet in the next video. Goodbye.